और आपको लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ा दिया मैंने? यस सर। यस हाँ सर। चैप्टर अच्छा, और मैथ्स में कुछ ये ट्रिग्नोमेट्री में होमवर्क दिया है मैंने एनसीईआरटी से, नहीं दिया अभी तक? हाँ सर, मैथ्स का दिया था 3.1, 3.2 और 3.3 का 1-10 तक। मैं अभी तो 3.3 पूरा दे देते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्लास मैथ्स में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास मैथ्स में डिस्कस करेंगे। ओके, 3.3 पूरा। अच्छा, पूरा करना। ओके सर। पेपर कैसा गया? अच्छा गया सर। ठीक है सर। जो मैथ्स में डिस्कस तो मैं कर दिया होता, सॉल्यूशन मिल ही गया होगा, एक दिन मैं डिस्कस कर दूंगा। तुम लोग को भी मालूम चला ही होगा वो जेपीएन सर वाला घटना। यस सर, बिल्कुल ही 2-3 दिन से बिल्कुल ही मतलब अजीब सा ही हो गया है। मतलब नॉर्मली मैं संडे को पेपर डिस्कस कर देता हूँ, बट उसी दिन में 2-3 बजे घटना हुई और फिर मतलब कुछ करने का मन कर नहीं रहा था। तो ठीक है। हाँ, क्या बोला था सु मैथ्स का? क्या सर, वो कुछ कुछ क्वेश्चन सही था लेकिन कंप्यूटर गलत बता रहा था। तो सर, एक क्वेश्चन में डाउट था कि उसके आंसर्स राइट थे तब भी रॉन्ग दिखा रहा था। हाँ वही। मतलब सेम वो 10 का वो ग्राफ वाला क्वेश्चन था सर। मतलब कुछ क्वेश्चन सही थे तो भी उधर ना गलत दिखा रहा था। 10 का क्वेश्चन, 10 का ग्राफ कहाँ से आ गया एग्जाम में? मतलब सर ग्राफ दिया था उसमें 30 डिग्री दिया था, फिर बोला था वो फाइंड करने के लिए। हाँ तो गलत है ना, तुम लोग सब लोग 10-30 रूट स्लोप लिख दियोगे। गलत है ना, वो तो 30 ना आएगा माइनस तो वाई एक्सिस से। हाँ फिर तो वाई लिखा सर लेकिन आंसर गलत दिखा रहा था सर। लेकिन एक सेट वाले में डाउट था, मतलब हमने तो राइट लिखा था, वो एक इक्वेशन दी थी और उसके रूट्स पूछे थे, तो इसके रूट्स का सेट क्या है, तो हमने तो राइट किया था, तब भी उधर कोई अलग आंसर था। हाँ। ऐसा हुआ है क्या? आंसर की आ गई है तुम लोगों के पास ना? हाँ सर। वो ड्राइव में आती है ना, तो उसमें से चेक किया, उसमें भी आंसर गलत दिया हुआ है? नहीं, उसमें सही दिया। फिर तुम्हें क्या मालूम कंप्यूटर में क्या सही लिया क्या गलत लिया है? सर पेपर होने के बाद स्कोर के टाइम पे जो मतलब दिखा रहे थे ना वो क्या सब यहाँ गलत है, उसमें था तो स्कोर में थोड़ा बताते हैं कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है। सब बताया सर, उधर बताया। वो तो ये रहता है ना, 10 क्वेश्चन गलत हुआ, 5 क्वेश्चन सही नहीं हुआ, सर, ये वो भी था कि कौन सा गलत है और उसका राइट आंसर भी था। दिखाता उधर। ये कब से दिखाने लगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 है वो, तो मैं देख लूंगा। आगे पढ़ाई करते, डिफरेंशिएशन पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो डिफरेंशिएशन कैसा है ना, एक नया टॉपिक है आपके लिए। ठीक है, तो आपने बहुत सारी चीजों में लड़ाई करने वाले हो मेरे से, ये सर ये क्यों है, वो क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, कब है, कैसा है। ठीक है, लड़ाई मत करो, अपन काम की बात करते हैं। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन को तुम एट दिस मोमेंट सेट ऑफ फॉर्मूलाज समझो तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
हमें दो मिनट समय दो। ओके सर। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। ध्यान दो भी कुछ फॉर्मूलेज हैं, कुछ सिंबल्स हैं, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ओके यस सर। डी बाई डी एक्स सिंबल से काम होता है, इसको ही फॉलो करेंगे अपन। यहां समझ में आता है? तो ये फॉर्मूलेज के रूप में ट्रीट करोगे। डी बाई डी एक्स एक्स एन का जो फॉर्मूला है दैट इज एन एक्स एन माइनस वन, ये पहला फॉर्मूला। ऑब्जर्व करने का ट्राई करो, समझ में आता है? ओके सर। बताओ एक्स की पावर फोर क्या होगा आंसर? फोर एक्स फोर माइनस वन, क्लियर है? फोर एक्स टू पावर क्यूब। डी बाई डी एक्स एक्स की पावर सेवन, बताओ क्या होगा? सेवन एक्स की पावर सिक्स, सेवन एक्स सेवन माइनस वन, बोलो क्लियर है? पावर सिक्स, हाँ सर। डी बाई डी एक्स एक्स का पावर वन मतलब एक्स, बोलो क्या होगा? वन एक्स वन 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 एक्स की पावर वन माइनस वन विच इज वन, चमका। डी बाई डी एक्स एक्स की पावर थ्री बाई टू क्या होगा? थ्री बाई टू एक्स की पावर वन बाई टू, समझ में आ रहा है? d by dx काम क्या मतलब? नहीं नहीं प्लीज उसका उसका आप एक्सपेक्टेशन नहीं करोगे काम क्या, आप आगे समझ में आएगा काम क्या। आप बस मांगे चलो फॉर्मूला है कुछ करना है इससे, ठीक है? डोंट ट्राई टू गेट इनटू फिजिकल एस्पेक्ट एट दिस मोमेंट। माइनस एक्स की पावर माइनस थ्री क्या होगा बोलो? इट बोलो माइनस टू एक्स की पावर माइनस थ्री, माइनस थ्री वैसे पोकल करने की जरूरत नहीं, हर दो को इंटर नहीं करते। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर सेवन बाई फाइव, बोलो क्या होगा? सेवन बाई फाइव एक्स की पावर टू बाई फाइव, बोलो क्या होगा? माइनस वन बाई थ्री एक्स की पावर माइनस फोर बाई थ्री, क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। कॉपी करिए। यस सर। यस सर। सब लोग बुलाई बोलिए, अलाउ करो आगे बढ़े। यस सर। यस सर। यस सर। सर लास्ट बोलो हाय ना आगे बढ़े। माइनस फोर बाय थ्री जैसा है ये फॉर्मूला लगाना बेटा, ये फॉर्मूला। हाँ
क्या होगा बोल, समझा आगे बढ़े क्या बेटा? यस सर, यस सर, यस सर। सेकेंड जो है d by dx of a constant is zero, constant का differentiation zero होता है, मतलब d by dx, हाँ क्या constant क्या होता है? constant मतलब जो चीज अपनी value change नहीं करे, जैसे मान लो 5 है या 15 है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी ना, लेकिन एक्स स्क्वायर है ये तो चेंज होगा, जैसे जैसे एक्स का वैल्यू चेंज करोगे, समझे? हेलो, यस सर, सर 2 की पावर एक्स कांस्टेंट नहीं है। ओके सर, भाई यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर, यस सर, सर हाँ हाँ। नोट देखो, ये तो आपको मालूम ही है, फिजिक्स मुझे पहले ये फंक्शन पढ़ाया था, तो मैंने पहले भी बोला था कि वाई और एफ एक्स बोथ डिनोट आउटपुट, यस और नो, बताया था ना? यस सर, यस। अरे हाँ बताया था, नहीं बताया, बताया था भाई, किसी बात करते, मतलब वाई और एफ एक्स जो होते हैं वो सेम ही होते हैं ना? यस सर। तो इसे मान लो डीवाई बाय डीएक्स लिखा हुआ है, इसी चीज को हम लोग डी एफ एक्स बाय डीएक्स लिख सकते हैं, ठीक है? और इसी चीज को कन्वेंशन से क्या लिखा जाता है, एफ डैश एक्स, क्या लिखा जाता है? एफ डैश, कन्वेंशन है, कन्वेंशन है, मतलब ये सिंबल, अरे आपका निकनेम होगा ना घर पे कुछ, वैसे ही डी एफ बाई डी एक्स की जगह कई बार एफ डैश एक्स लिख देते हैं, ये बात चमकती है? यस सर, यस सर। फाइंड एफ डैश एक्स इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू x की पावर 7/6 बी एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 6/11 सी एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 9। चलो फटाफट बोलो क्या होगा आंसर? 7/6। अरे स्टेप सुनो, सारे स्टेप लिखोगे, ठीक है? एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है? डी एफ एक्स बाई डी एक्स, इसका क्या मतलब होता है बोलो? डी एक्स की पावर, हेलो, 7/6 बाई डी एक्स, चमक रहा है स्टेप्स? अभी लास्ट स्टेप क्या होगा बोलो? 7/6 एक्स की पावर 7/6 माइनस 1, क्या होगा बोलो? 7/6 एक्स की पावर 1/6, क्लियर है? यस सर, बी वाला बताओ, एक्स इक्वल्स टू ये बीच के सारे स्टेप्स आप लिखोगे, सारे स्टेप्स ओके सर, क्या होगा आंसर? सर 6/11 हाँ की पावर -5/11 सी सर 9 एक्स की पावर 8। ये डॉट 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 क्या है? स्टेप्स, ये सारे स्टेप्स, स्टेप्स आप लिखोगे कॉपी करते हुए, ठीक है? चलो करो। ओके सर, देखो मैं मानता हूँ बहुत लोग के मन में ख्याल आ रहा होगा, सर ये क्या मतलब, क्या कर रहे हो सर, मतलब क्यों कर रहे हैं हम, ठीक है? जस्ट डाइजेस्ट, एक्सेप्ट, आगे समझेंगे, डोंट वरी। ये क्लियर है? यस सर, कॉपी करिए।
सर वो हाँ बोलना तो dx अपॉन d वो 7/6 हो जाएगा क्या चीज सर वो स्टेप समझाने कौन सा स्टेप बताओ थर्ड स्टेप ए वाले क्वेश्चन का हाँ क्या नहीं समझा फॉर्मूला लगाया मैंने फॉर्मूला लगाओ क्या है फॉर्मूला बताओ सर वो dx upon dx x की पावर n का फॉर्मूला क्या दिया मैंने dx upon dx कहाँ है मेरे भाई ये है ना हाँ तो dx upon dx क्या बोल रहे हो ये फॉर्मूला लगाया मैंने सीधा कोई दिक्कत क्या बता इस फॉर्मूले में हाँ सर Yes, sir. सब लोग बोले क्लियर है क्या ये थोड़े क्वेश्चन देता हूँ निकालो फिर ठीक है इन सब में निकालो डिवाइड बाय dx सर लास्ट क्वेश्चन में वो 9/2 है ना बताओ भाई पहले का आंसर
स्टेप्स लिख के ही करना, ठीक है? डीवाई बाई डी एक्स क्या होगा? डी एक्स की पावर 1/6 बाई डी एक्स. बोलो क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर. ये क्या होगा बताओ? 1/6 एक्स की पावर माइनस 5/6. क्लियर है क्या? हाँ सर. अरे बोलो भाई. यस सर. यस सर. दूसरे वाले का कितना आ रहा है? 2x. d by dx of x square. बोलो कितना आ रहा है? 2x. क्लियर है? यस सर. ये वाला कैसे करेंगे सर? हम ऊपर लेके जाएंगे माइनस माइनस 4/3. ये बात चमकती है, लॉ ऑफ इंडाइसेस पढ़ाया है. यस सर. माइनस 4/3 माइनस 1 कितना होगा? माइनस 1/3 एक्स की पावर माइनस 7/3. चमक रहा है? ये बताओ क्या होगा? dx 7/6 माइनस माइनस. बोलो 7/6 चमक रहा है ना? माइनस माइनस माइनस. माइनस 7/6 एक्स की पावर माइनस 13/6. यहाँ पे क्या होगा? डिवाइड बाय डी एक्स बताओ. माइनस 9/2 एक्स की पावर माइनस 9/2. बोलो माइनस. कोई समस्या यहाँ तक? नो सर. नो सर. यहाँ बताओ. 43x = 42. बोलिए. 43x = 42. यहाँ बताइए क्या होगा? माइनस एक्स. क्या आप लोग का हुआ नहीं है क्या? सही, आपने तुरंत दिया. हाँ, सर, देखा ही नहीं कि सर भी दिया. क्या होगा बोलो? क्लियर है? यस सर. इसका कितना आएगा बताओ सर? 9 माइनस 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 माइनस. यस सर. क्लियर है? हाँ सर. कॉपी करो. यस सर. अब करें? हाँ सर. देखो डी बाई डी एक्स ऑफ के एफ एक्स अगर करना है, के फॉर कॉन्स्टेंट, तो तुम के को जो है बाहर निकाल सकते हो. ओके सर. फॉर एग्जाम्पल क्या बेटा? थर्ड होगा ना? फोर्थ
फोर्थ है क्या? फोर्थ सर, थर्ड में क्या, थर्ड में क्या करा दिया मैंने सर? थर्ड में वो सेम फर्स्ट जैसा ही था सर, वो फर्स्ट जैसा ही था, थर्ड में वो सेम फर्स्ट जैसा ही था। क्या लिखे थे थर्ड में? क्या लिखा था? वो y इक्वल्स टू fx। ओके, अरे वो ठीक है, सो अब जो है सो है, ठीक है, मतलब चलो फोर्थ लिख दिया, अंतर नहीं पड़ता है, वो थर्ड लाइक नहीं था वो, ठीक है फालतू लिख दिया। चलो तो ये बताओ d by dx of, मैं क्या बोल रहा हूँ, 2x की पावर 5 क्या होगा बोलो? d by dx x की पावर 5 समझे? यस सर। ये क्या होगा? 2 × 5 x की पावर 4 चमका? यस सर। बोलो भाई। यस d by dx of 7x की पावर 8 क्या होगा बोलो? 17 को बाहर निकाल सकते हैं ना? यस सर। और अब इसके बाद डिफरेंशिएट कर देंगे पावर फर्स्ट वाले रूल से, तो क्या हो जाएगा? 8x की पावर 7। ये चीज क्लियर है? यस सर। डी बाई डी एक्स 1/2 एक्स की पावर 9/4 क्या होगा बोलो? 1/2 बाहर आ जाएगा। 2 डी बाई डी एक्स एक्स नाइन बोलो क्या होगा? 1/2 इन 9/4 इनटू एक्स की पावर 5/4 चमक रहा है यहाँ तक, मतलब कांस्टेंट अगर है तो उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। अरे बोलो भाई, कांस्टेंट है तो हम लोग उसको बाहर निकाल सकते हैं। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। कॉपी करिए, एक्चुअली ये रूट 3 ज्यादा अच्छा रहेगा, रूट 3 रखता है, रूट 4 था, रूट को इट इज मच बेटर एज रूट। कितना क्लियर है क्या? हाँ सर। लास्ट स्टेप में मल्टीप्लाई नहीं करना क्या बेटा? लास्ट स्टेप में कर दो मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है, कर दो। 9/18 x की पावर 5/4 9/8 होगा ना? हाँ सॉरी, सर फिर वो 17 क्या बेटा? 17 × 8 हाँ कर दो ना, कितना होता है? 136। उसमें थोड़ा कोई दिक्कत है, मल्टीप्लाई को नहीं करेंगे अपन, डिफरेंशिएशन हो गया उसके बाद तो नॉर्मल 7th-8th की अलजेब्रा है ना, लगाइए ना। कॉपी कर लिया है? बोलिए। यस सर। फोर्थ इज सम रूल, अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स है देन डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी प्लस, आपको ये समझ में आता है ना प्लस माइनस का मतलब क्या होता है? यस सर। या तो प्लस या माइनस, है ना? तो दिस कैन बी स्प्लिट, माने अलग अलग डिफरेंशिएट करके। हाँ, एक वर्ड हम लोग बचपन में पढ़ते थे, बताओ तो क्या वर्ड था? डिस्ट्रीब्यूटिव, याद है? यस। डिफरेंशिएशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर क्या? सम एंड प्रोडक्ट।
एडिशन समन प्रोडक्ट है ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ये बात चमकती है देखो बिल्कुल फ्री माइंड से पढ़ो बिना सोचे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बस पढ़ रहे हैं कुछ आधे घंटा ठीक है बोलो क्या होगा हेलो क्या हो गया नहीं आ रहा समझा क्या होगा बताओ 5x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 3 क्या हुआ भाई नहीं समझ में आ रहा आ रहा बोलो क्या होगा पहले कौन सा रूल लगाएंगे बताओ सर पहले तो कौन नहीं ना पहले तो यू आर लगाओगे ना कौन सा सम रूल सम रूल अब क्या करोगे अभी कांस्टेंट बाहर निकालते हैं कांस्टेंट्स को बाहर बाहर निकाल सकते हैं राइट यस सर क्या होगा बताओ बोलो समझे यस सर अब लास्ट स्टेप क्या होगा डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट बोलो क्या होगा टू इनटू सेवन वन बाय टू के साथ एक्स की पावर सिक्स हाँ सर वन बाय टू तो नाइन हाँ नाइन बाय टू गलत हाँ 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 सॉरी हाँ हाँ सॉरी सॉरी गलत किया था एक्स की पावर सिक्स हाँ प्लस हाफ इनटू नाइन बाय टू हाँ एक्स की पावर सेवन बाय टू 14 एक्स की पावर सिक्स प्लस नाइन बाय फोर एक्स की पावर सेवन बाय टू यहाँ तक क्लियर है यस सर Yes, sir. देखो सिंपल है सम रूल मतलब प्रोडक्ट समेशन और एडिशन पे क्या हो जा रहा है डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है राइट हाँ सर यस सर तो एक क्वेश्चन देता हूँ सॉल्व करो जरा बताओ y इज इक्वल टू 7x क्यूब प्लस 3x प्लस 1 प्लस 5 फाइंड dy by dx सर 21x स्क्वायर प्लस 3 बाकी लोग करने दो बाकी लोग बोलिए बेटा कैसे करोगे हेलो क्या हुआ हेलो अनिट आवाज नहीं आ रही क्या आ रही है सर आ रही है सर सर बोलो भाई यहाँ तक क्लियर है हाँ हाँ सर अगला स्टेप क्या होगा सम रूल अगला क्या होगा प्लस डी पाई बाय डीएक्स अगला स्टेप क्या होगा बताओ कांस्टेंट बाहर निकलना है अरे कोई बोल नहीं रहा है क्लास में क्या हो गया क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा है क्या तो बोल ही रहा है चलो कॉपी करो
सर वो 3x का बना है क्या वा सर वो 20 का क्या बोल रहे सर वो आंसर उसकी आवाज नहीं आ रही है क्या बोल रहा है बच्चों को बताएगा मुझे क्या बोल रहे सर बहुत कम आ रहा है सर वो अरे सही तो की 21x स्क्वायर प्लस 3x होगा क्या x क्यों आएगा 3x 3 होगा ना बस यहाँ पे x है ना x स्क्वायर थोड़ी ना है अरे dx by dx क्या होगा dx by dx तो 1 होगा ना हाँ हाँ सर 21x स्क्वायर प्लस 8 कैसे आएगा d5 by dx तो 0 हो गया ना लिखा तो है मैंने सारे स्टेप्स अरे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है भाई मेरे समझा 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 इसी वो हां सेकंड स्टेप अरे भाई कॉपी हो गया क्या हां सर यस सर कौन सा नो सर सेकंड हां बोलो क्या वो सेकंड स्टेप नहीं समझा किसका सेकंड स्टेप जो ये 7x क्यूब प्लस 3x प्लस 5 वाला किया है उसका किसका सेकंड स्टेप हां सर उसका ही 7x plus 3x plus क्या बोलो यहां से अच्छा तो यहां से यहां नहीं समझे हां बताया ना अभी अभी तो बताया इसी पेज पे बताया है सम रूल स्प्लिट कर सकते हैं ना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं देखो बी वाले में भी तो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ना अलग-अलग हां समझा एफ हां सर समझा यस सर भाई कॉपी कर लिए क्या सब लोग हाँ हाँ सर सर फाइव का क्या हुआ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है जीरो होता है ना हाँ रैप करें यस यस सर डन अरे भाई बोलिए यार अब करेंगे तो बोलिए करूं यस सर यस सर यस सर इन चारों में डिवाइड एक्स निकालो ओके सर
यस सर अरे हो गया क्या सभी लोगों का क्या है पहले का आंसर 3x² + 10x + 6 dx³ by dx, d1 by dx. एक स्टेप मिस किया मैंने ठीक है हाँ हाँ बताओ x - 3x - 4 - 3x - 4 - 3x सर अगर पावर नेगेटिव हो तो उसे फ्रैक्शन में डालना कंपलसरी होता है डाल दो अच्छा रहता है डालना चाहिए सही रहता है नेगेटिव पावर से भागना चाहिए था कितना आ रहा है बताओ 2/5 × 3x² - 4/3 × 7/3 बोलो सर -2x - 3x² - 3x की पावर -4 + 9
प्लस जीरो चमक रहा है? यस सर। क्लियर है क्या? यस सर। कॉपी करो। मैंने लास्ट वाले में 1/8 ले लिया है। कोई बात नहीं। बोलो क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। कॉपी करो तो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ सर। हाँ सर। बोलो भाई कॉपी हो गया? हाँ सर। कितने रूल्स हो गए? चार। चार हुए ना? हाँ सर। ओके नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ वाला प्रोडक्ट। एफएक्स into gx d by dx is equals to gx d fx by dx plus fx d gx by dx। ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। हाँ ये फॉर्मूला है, क्या ही समझोगे, फॉर्मूला है तो है। ये बात समझ में आती है? क्या किया गया देखो, जीएक्स को पहले एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया गया है और एफ को डिफरेंशिएट किया है और फिर एफ को बाहर निकाला है और जीएक्स को डिफरेंशिएट किया है, जीएक्स को अंदर डाला और इसलिए मल्टीप्लिकेशन इसलिए एडिशन किया। ये बात समझ में आती है? हां सर। इसे मान लो वाई इज इक्वल्स टू x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू है, तो ऑब्वियसली करो इसको डिफरेंशिएट करो प्रोडक्ट रूल लगा के। कैसे होगा बोलो? समझ में आया यहां तक? क्या होगा बताओ? x प्लस वन d by dx x प्लस टू प्लस टू प्लस क्या आएगा आंसर? अरे सॉरी 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 सॉरी, बहुत फास्ट कर दिया मैंने। ठीक है, हम बोलो क्या होगा अगली बार? अब इस स्टेप में क्या होगा बताओ? ये जो डी एक्स प्लस टू बाई डी एक्स है तो ब्रेक होगा ना सम रूल से? हाँ। अरे भाई समझ रहे हो? अच्छा हाँ हाँ ओके सर। अरे दोस्तों मित्रों क्या हुआ? हाँ, समझे। अब बताओ क्या होगा? वन हो जाए प्लस जीरो प्लस, अरे बोलो भाई, प्लस टू। अरे भाई अब समझे कि नहीं समझे? हाँ सर। अरे बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। एक और देखो ना, पहले एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस वन कैसे होगा बताओ? डी बाय डी एक्स
बोला अभी क्या होगा एच स्क्वायर निकल रहा है बाय डीएक्स एच क्यूब प्लस वन एच क्यूब प्लस वन एच क्यूब प्लस वन वापस बाहर निकलेंगे हाँ सर डी बाय डीएक्स एच स्क्वायर क्या होगा बोलो एच स्क्वायर डीएक्स स्क्वायर हाँ सर उसको तो ना हाँ सर ठीक है सर अरे समझे क्या हाँ सर यस सर और आप चाहते सीधा मल्टीप्लाई करके कर लो सेम आंसर आएगा देखो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने क्या बन जाएगा बोलो एस की पावर फाइव प्लस एक्स स्क्वायर ओके बताओ तो डिवाइड बाय डीएक्स कितना आएगा सीधा फाइव अच्छा हाँ ओके डी फाइव बोलो भाई क्या आएगा फाइव एक्स की पावर फोर प्लस टू एक्स कितना बोल रहे हो फाइव एक्स की पावर फोर प्लस टू एक्स सेम समझे क्या यस सर यस कॉपी करो कॉपी कर लिए सर दो मिनट बाकी लोग बताओ भाई कॉपी हो गया हाँ सर यस सर यस सर
क्या था पिछला वाला? फिफ्थ था, सिक्स्थ था? एक होता है लास्ट कोशेंट रूल, ये ऐसे सिस्टम में लगता है, कैसे में? एफ एक्स बाई जी एक्स, ठीक है? Okay, तो देखो dy by dx कैसे लिखा जाता है इस केस में, ध्यान देना, gx into dfx by dx plus fx, बोलो, plus fx into dgx by dx, जो बचा हुआ है वो लिख देंगे, और नीचे में क्या आएगा, g स्क्वायर x, नीचे वाला आता है स्क्वायर, हाँ वो फॉर्मूला है ना, तो क्या कर सकते हो, ऐसा है ना, जैसे मान लो इसको डिफरेंशिएट करना है, कैसे करेंगे, dy by dx लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ, d by dx ऑफ, बोलो बेटा, क्या होगा बताओ अभी, x plus 1 dx upon dx minus plus, क्लियर है सर? पॉजिटिव साइन के बीच में नेगेटिव साइन, क्या हुआ ऊपर फार्मूला में प्लस लिखा ना, ऊपर फार्मूला पे हम प्लस लिखा है, हां गलत लिखा मैंने, सॉरी, दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है, ठीक है, ध्यान नहीं रहा, इतना क्लियर है क्या? हाँ सर, क्या आएगा बताओ, dx by dx कितना होगा, 1 1 हो जाएगा माइनस एक्स, यहाँ पे क्या आएगा, सम रूल आएगा ना, dx upon dx plus d upon dx, अब ये तो फील आनी पड़ेगी ना, कितना आया बताओ, x plus 1 minus dx minus x square, ठीक है क्या, कितना आ गया आंसर बताओ, 1/x + 1, ये बात चमकती है, फाइनली dy by ds कितना आया बोलो तो, 1/x² + 2x + 1 का होल स्क्वायर, सबको क्लियर है क्या सर, उसको सॉल्व भी कर सकता है ना, इतना पे उतने पे छोड़ देंगे ना, उस बाकी अलजेब्रा से क्या मतलब है मुझको यार, आई डोंट, मेरे को अलजेब्रा से मतलब नहीं है ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे मेरे को मतलब है बस, अरे इतना क्लियर है क्या, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन
कॉपी कर लिए? यस सर। यस सर। यस सर। अब इसमें क्या करना होता है कि पहले डिवाइड बाय डीएक्स निकाल लोगे और उसके बाद पहले डिवाइड बाय डीएक्स निकालना पड़ता है। निकालो डिवाइड बाय डीएक्स। ओके सर। क्या होगा बताओ? H plus one D H D by D H square plus X square plus one plus minus minus X square plus one D upon D X X plus one upon X plus one full square. यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? सम रूल। सम रूल। डी एक्स बाय डी एक्स बाय डी एक्स डी एक्स। सर वन है आंसर। एक ही तो दिक्कत है मेरे साथ, मुझे क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता होते हैं, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस पता नहीं होते हैं। मतलब वो तीन बैच का नोट्स मिला होगा तुमको, हर में अलग अलग क्वेश्चन मिल जाएगा मैक्सिमम टाइम। हाँ सर। सॉल्व करना पड़ेगा ना यार, इसका 2x आ जाएगा माइनस x स्क्वायर प्लस 1 इनटू 1 आ जाएगा भाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 भाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया? डीवाई अपॉन डीएक्स। हम लोग को और क्या निकालना है क्वेश्चन में? एट x इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0 0 पुट कर देंगे x के जगह। कितना आ रहा है बताओ? माइनस 1 माइनस 1 हां सर। बात चमकती है क्या? हां सर। हां सर क्लियर है। डीवाई बाई कई बार ऐसे भी लिखा जाता है और इसका मतलब ये होता है, इन दोनों का मतलब सेम है। समझ में आ रहा है दोनों का मतलब क्या है? सर वो क्या लिखा आपने उस साइड पे? नहीं दिख रहा? नहीं मतलब दिख रहा है लेकिन वो डीवाई डीएक्स फिर वो क्या है? हाँ वो एक वर्टिकल लाइन बना दी जाती है एट की जगह ना, एक वर्टिकल लाइन बना दी जाती है। ओके थोड़ा छोटा सा, अरे ऐसा लिखा है बस, एक वर्टिकल लाइन है ऐसा, नहीं समझे? समझा।
कन्वेंशन बहुत सारी चीज होती है ना मैथ्स में, तो उसी चीज को एफ डैश जीरो भी लिखते हैं। एफ डैश जीरो मतलब पहले आप एफ डैश एक्स निकालिए और उसमें जीरो पुट कर दीजिए। हाँ, उसका मतलब ये नहीं है कि पहले आप जीरो डाल दीजिए और फिर डिफरेंशिएट करिए। यहाँ तक बात समझ में आती है क्या? यस सर। कॉपी कर लिए? यस सर। कुछ और फॉर्मूले दे रहा हूं मैं, अभी तक एक ही फॉर्मूला दिया है ना, तो चार और फॉर्मूले दे रहा हूं मैं। फॉर्मूले अभी तक हमने बस एक फॉर्मूला लिखा है, राइट? yes, वाला फॉर्मूला मतलब है ना, बाकी फॉर्मूले थोड़े बहुत मैं लिख रहा हूं। d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज cos x, c d by dx of cos x is minus sin x, d d by dx e की पावर x is e की पावर x, e d by dx of ln x, ln x मतलब log to base e है ना, अच्छा log to base e, ये बात चमकती है? हाँ सर। f d by dx e constant है ना क्या? e के बारे में पहले हाँ, तो e की पावर x थोड़ी ना कांस्टेंट, e कांस्टेंट है ना, e की पावर ये तो एक वैल्यू होता है, ये क्या होता है 2.71 इरेशनल नंबर है ना यार। हां सर। फिर मैच में कर रहा था। एफ वाले का मैं प्रूफ कर दे रहा हूं, बेसिक फॉर्मुलेज आपके यहीं पर हैं जो यहाँ लिखा है, बट फिजिक्स में ए की पावर एक्स भी यूज करते हैं सीधा। ए की पावर एक्स को क्या लिखना सिखाया था मैंने मैथ्स में, फिजिक्स में या मैथ्स में पता नहीं, लॉन ए इंटू एक्स सिखाया है ना मैंने। yes, sir. और लॉन ए को थोड़ी देर के लिए के मान लो। अच्छा 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 सॉरी सॉरी अभी नहीं कर सकते, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, अभी नहीं कर सकते हैं, अभी भी कांड दो। ठीक है, यहां तक फॉर्मूला क्लियर है एफ तक? यस सर। मैं आपको टेन एक्स का फॉर्मूला sec स्क्वायर एक्स आएगा प्रूफ करोगे, कैसे करोगे बताओ? इधर आपके f तक फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, कैसे करोगे प्रूफ बोलो? tan x को क्या लिख सकते हो? sin x by cos x, sin x by cos x, cos x बताओ डिवीजन करो, cos x, cos x d by dx sin x, d sin x by d minus sin x d by dx cos x, cos x अपॉन cos स्क्वायर x, अपॉन cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x बोला, cos x इनटू cos x सब में भूल, माइनस sin x इनटू माइनस sin x अपॉन cos स्क्वायर x, ऊपर में क्या बन गया, वन बन गया ना? यस सर। क्या आ गया? x स्क्वायर x, ये क्लियर है? यस सर। तो ऐसे ही इनको भी एज अ फॉर्मूला जी यूज किया आता है, मैंने ये क्वेश्चन दिया था बट है ये फॉर्मूला जी एबीसीडीईएफ जी। ठीक है, तो ऐसे ही मैं आपको तीन और फॉर्मूले दे रहा हूं, जी एच
डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स आएगा, सॉल्व करके चेक करना तो याद हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर जी एच आई डी बाई डी एक्स ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, ये आएगा तुम्हारा सेक एक्स टेन एक्स जी एच आई जे डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स। अब नीचे के तीन फॉर्मूले आपको प्रूव करना है, ठीक है, और ये फॉर्मूले आपको याद भी करने हैं। ये बात समझ में आती है? यस सर। मैं कॉपी करूं, मैं आपको होमवर्क भेजता है सर। वो फॉर्मूले वाले के ए पार्ट में n इज नॉट इक्वल टू 1 है कि n इज नॉट इक्वल टू 0? सर इसी पेज के ऊपर। ओके सर, आपने फर्स्ट पेज में n इज नॉट इक्वल टू 0 बताया था। दिक्कत है n इज नॉट इक्वल टू 0। कांस्टेंट, अगर n जीरो हो जाएगा तो x की पावर जीरो क्या होगा? कांस्टेंट होगा ना, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अलग से लिखा है ना हमने, जीरो होता है। यस सर। कॉपी कर लिए क्या आप लोग? यस सर। करने जा सर, एक मिनट, h के बाद का पार्ट दिखाना। कॉपी कर ली सब लोग? हाँ सर। ठीक है, ये सब कर लिए। अरे भाई कॉपी हो गया? यस सर। यस सर।